हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चॉपसेट पर। दोस्तों, नीलेट जो रिक्रूटमेंट आई हुई है टेक्निकल असिस्टेंट और भी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का, हम सिलेबस जानेंगे क्योंकि विदाउट सिलेबस एग्जाम के करना काफ़ी मुश्किल है। सिलेबस में क्या क्या चेंजेज आए हैं, न्यू सिलेबस जिसको बोलते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने घंटे का पेपर होगा, कैसे जो है क्रैक करना है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कौन सी बुक फॉलो करें, कैसे क्या करना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो ध्यान से देखिएगा और दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, नीलेट एग्जामिनेशन मैं यहाँ पे सिलेबस बताने जा रहा हूँ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का, ठीक है। जितने भी ब्रांच सीरीज वाले सबको बताऊँगा, विथ ऑफिशियल आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले OMR बेस्ड टेस्ट होना है, इसमें CBT एग्जाम नहीं होगा। पहली बार बोली रिटर्न एग्जामिनेशन है, 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। और एक पोस्ट के लिए लेवल 10 और एक मतलब सीट के लिए 10 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद बोला गया है कि विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू रेसी ऑफ पॉइंट, मतलब इंटरव्यू भी आपका होना है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। और ठीक है दोस्तों, मतलब कुछ पोस्टों के लिए, सब में यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। तो जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है उसमें मैंने आपको बताया था, वीडियो देख लीजिएगा, उसमें इंटरव्यू नहीं है, केवल OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्या रहने वाला है, सब कुछ जो है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो नीलेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, ये सब मतलब पैटर्न सेम रहता है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे हुआ था 2021 के अकॉर्डिंग में आपको बता, चेंजेस नहीं होता है, बहुत सालों से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखिए, 120 जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 180 मिनट आपको मिलने वाला है, ठीक है। जिसमें से 120 क्वेश्चन जो है यहाँ पे, 78 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम 120 में से आपके 78 क्वेश्चन जो है आपके टेक्निकल से रहने वाले हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस हो, IT हो, जो ब्रांच एलिजिबल है इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, और 42 क्वेश्चन जो है जेनरिक एरिया, ठीक है। जेनरिक एरिया इन द सेंस की कह सकते हैं कि आपके मैथ के हो गए और आपके जनरल नॉलेज के हो गए, इंग्लिश के हो गए, इस तरह से रहने वाले हैं। एवरी क्वेश्चन जो है एक नंबर का होगा और 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो सिलेबस देख लेते हैं, ऑफिशियल आपको दिखाने वाला हूँ अलग अलग सबका, बिल्कुल डिटेल सिलेबस। ऐसा सिलेबस आपको कहीं मिलेगा नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट में बुक भी बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा। तो पहले आपको नॉन टेक का सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैथ्स के हो गए, सिंपली जैसे आपके होते हैं वही मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। चीज कुछ इस तरह से है, जैसे आपका टेक्निकल 65% होगा, 35% में जैसे रीजनिंग हो गया, आपका क्वांटिटी हो गया, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह से इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से रीजनिंग और मैथ के पोर्शन होंगे, आपके इंग्लिश भी रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं कि जनरल नॉलेज का सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे फेमस प्लेस हो गया, फिजिक्स, करंट अफेयर्स, फिजिक्स छोड़ दीजिएगा, डेज, ईयर, इंडियन कल्चर, जो भी मतलब हिस्ट्री हो गया आपका, जो खेल वगैरह हो गया, बुक ऑथर, इंडियन हिस्ट्री, अवार्ड्स वगैरह, ये सब ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका कोई लिमिट नहीं होता है, सभी जानते हैं, GK हुआ, करंट हुआ, कब का पूछ दे या कौन पूछ दे, कोई उसका लिमिट नहीं होता, लेकिन अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो मैथ्स वगैरह हो गया आपका, रीजनिंग में आपको दिखा देना चाहता हूँ। मैथ्स में दोस्तों आपका सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, सिंपली जो आपके SSC लेवल, बैंक लेवल का होता है वही रहने वाला है। रेशियो, प्रोपोर्शन, एलिगेशन, मिक्सर, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, हाइट एंड डिस्टेंस, DI जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। तो ये रहा आपका मैथ का सिलेबस। इंग्लिश में कंप्रहेंशन, ग्रामर वगैरह हो गया, प्रीपोजिशन, सेंटेंस कंप्लीशन करा सकता है, एक्टिव पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, idioms, phrases वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है रीजनिंग का मैं आपको बता दूँ, तो ऑड मैन आउट हो गया, ठीक है, रीजनिंग में आपका, और आपका एनालॉजी जैसे कि अल्फ़ाबेट वाले होते हैं या पिक्चर वाले होते हैं, सिलॉक्स आएंगे आपका, और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे, ये सब चीज़ें ध्यान से पढ़ लीजिए। जो मेन मेन टॉपिक है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, ये सब जरूर से पढ़ लीजिएगा, और आपके जो है फिगर वाले क्वेश्चन भी आएंगे, वो सब ध्यान से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। बेस्ट बुक की बात करें तो नॉन टेक में आपको बहुत सारे बुक आते हैं, अरिहंत की आती हैं, ठीक है, RD शर्मा की आती है बुक आपकी, और अरिहंत पब्लिकेशन की आती हैं, ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। मैथ इसमें मुझे बता कर बताने की जरूरत नहीं है। अब जो है आते हैं मेन टेक्निकल की तरफ, क्या क्या है, कौन कौन सी एलिजिबल, आपको मैंने दिखा दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स है और कंप्यूटर साइंस, IT, MSc है, ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस से। तो बिल्कुल डिटेल सिलेबस है, ठीक है, जो जो पढ़ना है, और इस तरह से है, देख सकते हैं डिटेल कंटेंट है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या क्या स्कोप है, ये सब चीज़ें। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग हो गया आपका, Module 1 में क्या क्या है, कैसे है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, जिसको भी अगर आपको ये PDF चाहिए होगा
आप कमेंट में बताएंगे, अपना ईमेल आईडी के साथ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ईमेल आईडी जरूर से बताइएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से जैसे एंडोर गेट, बूलियन अलजेब्रा वगैरह भी आने वाला है आपका, और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा आपको, सी सी प्लस वगैरह, डेटा कम्युनिकेशन है, मेथडोलॉजी, डेटा कम्युनिकेशन, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो हो जाएगा, ईयर डिटेक्टिंग हो गया आपका, डेटाबेस सिस्टम, RDMMS, ठीक है, मॉड्यूल वगैरह सब दिया गया है, और मल्टीमीडिया इससे बाहर आपका आएगा नहीं, लगभग पूरी किताब ही है। विजुअल प्रोग्रामिंग हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसमें CSIT भी थोड़ा ज़्यादा है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में है, क्या क्या पढ़ना है। अब आते हैं IT, सेकेंड जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक जो होंगे इसके आपके रैम रोम वगैरह, WWE, लैन वैन, प्रोग्रामिंग सी है आपका, बहुत हाई लेवल का पेपर नहीं होने वाला है। OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या है सब चीज़ें दी गई हैं, यूनिक्स वगैरह, डिस्क ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आएगा, ठीक है, बिल्कुल CS की तरह होता है, थोड़ा बहुत अंतर आता है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है आपका, लिंक लिस्ट है, ट्री वगैरह है, डेटा कम्युनिकेशन है, प्रिंसिपल है, एरर डिटेक्शन है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड सी प्लस प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ें हैं, और डेटा बेस सिस्टम RDBMS, ठीक है, मल्टीमीडिया भी है इसमें, CS से मिलता जुलता काफ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे PNP, CBC, CE सब चीज़ें हैं, कैरियर लाइफ टाइम, PTEC, MOSFET, BJT, इस पर न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा, नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेशनल एलिमेंट, सिक्वेंसर जैसे आपका फ्लिप फ्लॉप वगैरह हो गया, ठीक है, सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो गए आपके, और इस तरह से रहने वाला है, ठीक है। और जो है आपका प्रोपोगेशन, रेडियो वेव्स, AM जनरेशन, FM हो गया, FM रिसेप्शन, पल्स मॉड्यूलेशन, माइक्रो प्रोसेसर भी आएगा आपका, उससे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे, माइक्रोवेव एंटीना हो गए, रडार सिस्टम, सेटेलाइट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑडियो, टेलीविज़न, ये सब चीज़ें जैसे VHF, UHF, ये सब चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। कलर TV हो गया आपका, VCR, VCD, DVD, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या यूज होती है, ECG, EEG, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, जिसको भी चाहिए हो कमेंट में बताएंगे, मैं प्रोवाइड करा दूँगा। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आते हैं, तस्वीर पीजे जाओ उसके लिए, ठीक है, ट्रांसड्यूसर। अब है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जैसे MSc वाले हैं उनको है, मैथमेटिक्स आपको देखना है, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, तीन मैथमेटिक्स बुक्स होती है, उससे रिलेटेड है, ठीक है, आपकी कौचिला, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। देखिए इसमें जितने साल हैं सब हमको नहीं है, एकदम बिल्कुल डिटेल में दे दिया गया है, और टोपोलॉजी वगैरह सब चीज़ें, मैकेनिक, इससे क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलस से भी आएंगे, फिजिक्स और जैसे MSc वाले के लिए फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक, तो एक तरह से मैंने सबका जो है डिटेल यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ डाउट होता है कमेंट बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले समय में लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, जॉब संबंधी, सिलेबस संबंधी, कुछ भी हो, स्कॉलरशिप संबंधी, इसी चैनल पर मिलता रहता है, ठीक है, ऑथेंटिक प्राइवेट जॉब भी आते रहते हैं समय समय पर, ठीक है दोस्तों। तो सोशल मीडिया फॉलो करना चाहिए, कर सकते हैं, कुछ डाउट हो मन में किसी चीज़ से रिलेटेड मुझे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकें, मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, ऑथेंटिक बस होना चाहिए। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों, जय जय भारत। उससे पहले समाप्त करने का, माफ़ करिएगा, बेस्ट बुक मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों NLIT का जो होता है साइंटिफिक या टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी की जॉब होती है, सूरा पब्लिकेशन की बुक आती है, इसमें देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सब चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो बुक है आपकी इंजीनियर्स एकेडमी की भी आती है, इन्होंने भी अपना मतलब टेक्निकल के लिए बना दिया है बुक, तो आप दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं, और ऑनलाइन ही मंगा लेंगे तो ठीक रहेगा, मिल जाएगा आपको, तो अभी आपको अवेलेबल है बुक, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगा सकते हैं। तो ये रहा, तैयारी में अभी से लग जाइए तभी क्रैक कर पाएंगे, ठीक है, सीटें कम है लेकिन कंपटीशन ज़्यादा रहता है यहाँ पे, सभी जानते हैं। बाकी कुछ भी डाउट होगा बताइएगा, अब वीडियो को जो है सब आपका दोस्तों, जय हिंद जय भारत।